किसी भी बुक को परचेज करने से पहले हम उसका इंडेक्स पेज को देखते हैं और इससे हमें उस बुक के कंटेंट के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। आपने स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये इंडेक्स वर्ड जरूर सुना होगा। तो ये क्या है? तो जैसे बुक के इंडेक्स को देखकर हमें समझ आता है कि ये बुक कैसी होगी, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को देखकर ये समझ आता है कि हमारा स्टॉक मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कई डिफरेंट टाइप के इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि सेक्टोरल, बेंचमार्क या मार्केट कैप एक्सेट्रा। एंड आई एम श्योर आपने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा। हाय, दिस इज परी एंड यू आर वॉचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड ऑप्शंस। What is an index fund? अब index funds को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि what are stock market indices? Index एक तरह का financial indicator होता है जो stock market की performance को measure करता है, जैसे Nifty, Sensex, ये सब indices हैं। Nifty 50, जो कि National Stock Exchange का एक index है, ये 50 बड़े companies को represent करता है, और Sensex, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये 30 टॉप कंपनीज को कवर करता है। अब आते हैं इंडेक्स फंड्स पर। इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो इन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF होता है, जिसका पोर्टफोलियो ऐसा बनाया जाता है कि वो किसी इंडेक्स के कंपोनेंट्स को मैच या ट्रैक करे, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को चूज करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स में हम फॉलो करते हैं स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। तो जब आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में डालते हो, तो वो पैसा उस इंडेक्स में शामिल सभी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है इन अ प्लान्ड वे, जिससे आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो मिलता है जो इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने से काफी ज्यादा डाइवर्स होता है। इससे रिस्क भी कम होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी थोड़ा डाउन हो जाए तो बाकी सारी आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सकता है। इनफैक्ट एज पर NSE इंडिया, इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म और लेस रिस्की फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स? सिंपल सी बात यह है कि दे आर लेस रिस्की, बिकॉज इसके अलावा देर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच यू कैन कंसिडर देम। आइए देखते हैं रीजंस टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा स्प्रेड होता है मल्टीपल कंपनीज में, जिसकी वजह से आपका रिस्क रिड्यूस होता है। लो एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्स बेनिफिट्स। क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को फंड एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता, एक्सपेंसेस कम होते हैं, विच रिजल्ट्स इन लो एक्सपेंस रेशियो। ऑल्सो सिंस इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज होते हैं, उनकी टर्नओवर कम होती है, मतलब कम ट्रेड्स, और इससे कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होती है। No bias investing. Index funds use automated rule-based investing. The fund manager follows set rules, avoiding human bias and ensuring objective investment decisions. Now, for example, मैं एक salary holder हूँ और मेरा monthly income 20,000 है, तो घर के expense के बाद जो excess रहेगा, वही amount invest कर पाऊंगी, जो कि बहुत कम है, like 2,000 or 3,000 maybe. तो क्या index fund में इतने low amount invest करने का भी option है? बिल्कुल। इंडेक्स फंड एक अच्छा फीचर है, इसका लो फीस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को फॉलो करता है, इसमें रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत नहीं होती, तो ये लो कॉस्ट होता है। अब रीजंस तो जान लिए, लेकिन कहाँ से शुरू करें? तो आइए ये भी जान लेते हैं। इंडिया में मिलते हैं कई तरह के इंडेक्स फंड्स, जैसे कि ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स एक ऐसा पैसिव इन्वेस्टिंग ऑप्शन है जो हमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट क्लासेस के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का चांस देता है। निफ्टी 500 इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स फंड है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स को अलग अलग सेक्टर्स और मार्केट कैप्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक्सपोजर मिलता है। मार्केट कैप बेस्ड। इन इंडेक्स फंड्स में कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर स्टॉक्स को चूज किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी के कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उसका कितना वेट होगा इंडेक्स में। सम मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड्स आर निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50,
निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 200। इक्वल वेट इंडेक्स फंड। अब इक्वल वेट इंडेक्स फंड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल मेजरिंग मेथड में पोर्टफोलियो, इंडेक्स और इंडेक्स फंड के हर स्टॉक को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड द इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब जब हम ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो छोटी कंपनीज और बड़ी कंपनीज दोनों के स्टॉक्स को एक जैसा वेटेज दिया जाता है। फैक्टर बेस्ड एक ऐसा इंडेक्स फंड है जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों इन्वेस्टिंग का मिक्स होता है। इसमें एक इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन साथ ही अल्टरनेटिव फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। इन फंड्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड एट्रीब्यूट्स जैसे पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, कैश फ्लो, सेल्स एक्सेट्रा को यूज करके कुछ फैक्टर्स को डिफाइन और कंसिडर किया जाता है। दिस कैन देन हेल्प टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी, वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा। सेक्टर बेस्ड फंड्स यानी स्पेशलिटी फंड्स या ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जो एक खास इंडस्ट्री या सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंड्स एक टारगेटेड अप्रोच लेते हैं और सिर्फ कुछ टाइप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इकोनॉमी के कुछ सेगमेंट्स में काम करती है। सो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स? इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना एक सीधा प्रोसेस है जो नए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए आइडियल है। यहाँ एक गाइड है जो आपको स्टार्ट करने में मदद करेगी। चूज एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। सबसे पहले एक ऑनलाइन ब्रोकरेज या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुने। ओपन अ म्यूचुअल फंड्स अकाउंट। इसके लिए आपको अपनी KYC फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ सकती है। सिलेक्ट योर इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स अलग अलग मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या नैसडैक 100। अलग अलग फंड्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री, मैनेजमेंट फीस और उनका ट्रैक किया गया इंडेक्स समझने के लिए रिसर्च करें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मल्टीपल इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना भी कंसिडर करें। ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट। एक बार जब आपका अकाउंट फंड हो जाता है तो अब आप अपने चुने गए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मॉनिटर एंड एडजस्ट एज नीडेड। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली चेक करें। हाउएवर, इंडेक्स फंड्स जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करें ताकि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करे। आई होप दिस गिव्स यू अ बिट ऑफ क्लैरिटी अराउंड इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड आपके लिए एक स्मार्ट और इजी तरीका हो सकता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। सो डू योर रिसर्च एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू। तो कौन से इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपसे द इन्वेस्टिंग शो के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।